हेलो एवरीवन वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा और आज के वीडियो सेशन में हम लोग आर आर बी क्लर्क प्री ट्वेंटी ट्वेंटी पेपर सॉल्व करेंगे रीजनिंग का और आज हम इसमें पूरे फोर्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में आपको पता ही है कि फोर्टी क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं फोर्टी क्वेश्चन क्वांट के आते हैं तो और टाइम जो होता है वो फोर्टी फाइव मिनट्स का दे रख देना दिया जाता है इसमें हमें और इसमें हमें ये पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो आज के हम वीडियो में ये 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे उससे तो पहले हमें दे रखी है पजल पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है आप इसे रीड कर सकते हैं आराम से एट परसन डी क्यू जे एच के एस ई डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे एट फोर साइड एंड ऑफ द टेबल एंड फोर अदर सिट इन द मिडल साइड ऑफ द टेबल बोला गया है कि स्क्वायर में बैठे हुए हैं आठ लोग चार लोग जो हैं वो टेबल पर बैठते हैं कॉर्नर की साइड पर और चार बैठते हैं साइड में फिर बोला गया है जो कॉर्नर पर बैठते हैं हु एट द कॉर्नर आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर जो कॉर्नर बैठते हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं फेसिंग अवे है ना बाहर की तरफ देख रहे हैं और जो कॉर्नर पर नहीं बैठते जो सीट इट द मिडल ऑफ द साइड जो मिडल साइड पर बैठते हैं बैठते हैं वो फेसिंग द सेंटर वो सेंटर की साइड देख रहे हैं तो इतनी सब बातें तो हमें दे रखी है इन्फॉर्मेशन की हमें बनाना क्या है अब देखो इतना बना लेते हैं भाई हमको क्या बोला गया है बोला गया है कि एक स्क्वायर है स्क्वायर में आठ लोग बैठे हुए हैं चार बैठे हैं साइड में और चार बैठे हैं कॉर्नर पर कॉर्नर वाले जो लोग हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और जो साइड में बैठे हुए हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं इतनी बात हमको इस बदल में बोली गई थी ठीक है यहाँ तक हो गया हमारा अब क्या बोला गया है कि जो तो डी है वो कॉर्नर की तरफ बैठता है मतलब डी यहाँ पर बैठा होगा ठीक है फिर बोल रहे हैं वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई हमारी तो हम इसको छोटी सी पजल है प्री लेवल में जो पजल आती है तो हम इतना दिमाग नहीं मारेंगे क्योंकि हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा हिसाब से चलना पड़ता है भाई टाइम में बहुत कम है तो हम एक बार में ही दोनों चीज़ें ले कर चलेंगे और एक बार में ही इसको बना लेंगे पॉसिबिलिटी लिखने से बेटर है कि हम एक बार में इसको बनाते चलें तो हमसे बोला गया कि डी जो है वो कॉर्नर पर है हमने बना लिया फिर बोला गया कि डी और जी के बीच में

फिर थ्री पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड ई क्यू ओ डी के तीन लोग बैठे हैं क्यू इस साइड है वन टू थ्री यहाँ पर ही आ जाएगा क्यू इस साइड है वन टू थ्री इस साइड ही आ जाएगा एक ही पॉसिबल केस बन रहा है जो डब्लू है डब्लू सिट सेकेंड द राइट ऑफ ई ई के सेकेंड राइट में अब ई अंदर तरफ देख रहा है डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा यहां पर आ जाएगा इसमें ई यहां पर है तो डब्ल्यू कहाँ पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ठीक है फिर बोल रहे हैं कि डब्ल्यू ओर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी डब्ल्यू डी का नेबर नहीं है यहाँ पर डब्ल्यू डी का ही नेबर हो रहा है इसका मतलब यहां पर रॉन्ग हो गई सही आंसर हमें इससे ही मिलेगा फिर बोला गया है कि जो के है के के सेकेंड राइट में एच है तो जब के यहाँ पर आएगा तभी इसके सेकेंड राइट में एच आ पाएगा ए की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है अब एक बच रहा है कौन सा बच रहा है भाई एस बच रहा है एस यहाँ लिख दो सॉल्व हो गई यहाँ पर हमारी कोशिश पर आ जाते हैं क्या बोला गया है बोला गया है एस के सेकेंड राइट में कौन है एस के एस ये है सेकेंड राइट में कौन है भाई ई आ जाएगा लेट इज ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आंसर ई ठीक होगा ठीक है अब बोला गया है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड डब्ल्यू वैन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी जब डी के दाएं से गिनते हैं तो डी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं डी ये लिखा हुआ है डब्ल्यू के लिखा डी के राइट से काउंट करोगे तो वन और टू लोग डी के राइट से काउंट करेंगे डब्ल्यू तक तो एक और दो लोग बैठे हुए हैं तो आंसर आ जाएगा टू ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है फिर बोल रहे हैं जी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है जी के सेकेंड लेफ्ट में जी ये लिखा हुआ है बाहर की तरफ देख रहा है सेकेंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा भाई एच आ जाएगा तो एच हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ठीक है फिर बोल रहे हैं इन इसमें से कौन है जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं के ई क्यू डी चेक कर लेते हैं भाई के ई -E, नहीं क्यू डी हाँ क्यू डी क्या है देखो नेबर है इस, अ, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा क्यू डी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फाइन फिर बोला गया है इनमें से पांच में से कोई चार लोग हैं जो ग्रुप बनाते हैं कौन सा नहीं बनाता बताना है के डी जी एच के ई डी जी एच के कौन सा चेक करेंगे ई डी जी एच और के तो देखो सारे लोग कॉर्नर पर है एक ई e जो है वो कॉर्नर पर नहीं है तो आंसर क्या जाएगा? E आ जाएगा ई आ जाएगा डेट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से पदल सॉल्व हुई हमारी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या गिवन है नेक्स्ट हमें एक नंबर बोल सकते हैं मिक्स सीरीज गिवन है नंबर्स भी दे रखे हैं कुछ लेटर्स दे रखे हैं उनके हमें क्वेश्चन बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया हाउ मेनी नंबर से जस्ट पहले ऐसी पहले एक स्वर जो है वो पहले आना चाहिए इसका मतलब क्या होगा नंबर लिखा होगा कोई उसकी जस्ट पहले हम चेक करेंगे तो बॉविल होगा तो हम पहले नंबर चेक करते हैं नंबर देखो ये लिखा है फोर पहले बॉविल है नहीं फाइव बॉविल है नहीं एट बॉविल है नहीं नाइन बॉवेल है नहीं वन नाइन आ जाएगा सेवन से पहले हाँ सेवन से पहले है तो एक यहाँ पे करेक्ट हो गया थ्री से पहले ओ है दो करेक्ट हो गए अच्छा बॉवेल कौन कौन से होते हैं ए आई ओ और यू यही चेक करने हैं हमें वन से पहले फाइव है नहीं हो पाएगा सिक्स से पहले बी है ये भी नहीं हो पाएगा बाकी कोई है नहीं इसका मतलब दो हमें मिले आंसर हो जाएगा टू ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फाइन उसके बाद हमें क्या दे रखा है फिर देखा है इफ़ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अगर हम सारे नंबर्स को हटा दें दे सीरीज दे, में से देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवन फ्रॉम द राइट हैंड राइट से राइट right एंड देखो ये जो सीरीज लिखी हुई है ये इसका ये वाला जो होता है वो लेफ्ट एंड होता है ये वाला जो हो जाता है वो राइट right हैंड हो जाता है अपने हिसाब से देखेंगे तो राइट right हैंड के से सेवन बताना है कौन सा है अगर नंबर ना हो तो गेनो वन टू थ्री नंबर आगे हटा दो फोर फाइव सिक्स और सेवन

काउंट करेंगे तो देखो ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है तो वन कॉन्सोनेंट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नहीं ये तो वोवेल है ये तो नहीं हटेगा ठीक तो है तो आई थिंक हो गए होंगे हमारे काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसका मतलब क्या है टू तो टू आंसर आ जाएगा ए हमारा ठीक हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या है क्वेश्चन फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ लेफ्ट एंड ट्वेल्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड जब दोनों हमें लेफ्ट लेफ्ट दे रखे होते हैं ना तो हम कर देते हैं क्या माइनस कर देते हैं ठीक है अगर हमें यहाँ पर दे रखे होते हैं लेफ्ट और राइट अलग अलग तो हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं अब यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट लिखा है तो माइनस कर देंगे ट्वेल्व में से ट्वेल्व माइनस कितना बचेगा भाई सेवन बचेगा है ना ट्वेल्व माइनस फाइव होते हैं और यहाँ से जो लास्ट में लिखा है फ्रॉम द लेफ्ट तो लेफ्ट से काउंट कर लो सेवेंथ एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कौन सा हमको पजल बोला गया है e, अलग अलग है लेस अब देखो बनाते हैं स्टार्ट करेंगे पांच लोग है तो हम यहाँ लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव मैंने आपको पहले बताया जो प्री लेवल होता है ना इसमें हम कंडीशन नोट डाउन नहीं करते हैं कम से कम नोट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम का बहुत ध्यान रखना है तो हम अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो हम उनको साथ में लेके चलेंगे और फटाफट से उसको सेट कर देंगे अब बोला गया है कि लेस देन लेस देन टू परसेंट आर शॉर्टर देन डी डी से कम जो है डी से जो छोटे हैं वो दो से दो से कम है इसका मतलब या तो एक पर्सन छोटा होगा डी से या फिर एक भी नहीं होगा दो पॉसिबिलिटी बने तो डी सेकेंड लास्ट में होगा या फिर लास्ट में होगा फिर बोल रहे हैं एज मैनी पर्सन आर टॉलर देन डी एज शॉर्टर देन सी जितने सी से डी से टॉलर है उतने ही सी से शॉर्टर है अब ये सेकेंड पर आया है तो सी ऊपर सेकेंड पर आएगा ये डी लास्ट में आया है तो सी यहाँ पर लास्ट में आएगा फिर बोल रहे हैं ए इज टॉलर देन बी जो ए है वो बी से बड़ा है लेकिन ई e से छोटा है इसका मतलब ए जो है वो बी से तो बड़ा आ गया और ई e से छोटा आ गया ए जो है वो इस तरह से फिर बोल रहे हैं बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अब बी शॉर्टेस्ट आया है इसमें तो ये रॉन्ग हो गई ये सही हो गई फिर बोल रहे हैं द हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 86 थर्ड टॉलेस्ट कौन सा है ये ये वाला वाला इसकी 86 ये वाला है है रॉन्ग सही आंसर ये है सी ई बी ए डी और इसकी 86 है अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या निकल के आया था हमारा लिख लेते हैं सी ई ए बी और डी और इसकी कितनी आई थी 86 यही तो निकल के आया था और ये इसका ऑर्डर है बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट पर्सन की अगर लेंथ कितनी है हाइट कितनी है सॉरी है तो बी की हाइट क्या हो सकती है तो बी की हाइट क्या होगी इन दोनों के बीच में लाई करेगी अब ऑप्शन देखो इट कैन बी द पॉसिबिलिटी नाइन हो सकता है एट्टी वन इट कैन बी द पॉसिबिलिटी और सेवनटी एट ये भी हो सकता है तीनों जो नंबर हमें दे रखे हैं वो इनके बीच में ही लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द गिवन हाइट्स मतलब सारे हो सकते हैं ठीक है वैसे यहाँ पर हमसे पॉसिबिलिटी पूछिए ना वर्ट मे बी तो कोई भी हो सकता है क्योंकि दो सारे नंबर इसमें ही लाई कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी पर्सन टी सी से कितने लोग बड़े हैं सी से कोई बड़ा है भाई सबसे बड़ा है कोई भी बड़ा नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा नन कोई बड़ा नहीं है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं ई e से जस्ट छोटा कौन सा है हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट ई से छोटा कौन है भाई देखो ई e से छोटा कौन है तुरंत ए है तो आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है हमको स्लॉक्स के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिखा है ऑल येलोस आर ग्रीन ठीक है तो बनाते हैं ऑल सॉरी ऑल ग्रीन्स बोला था ऑल ग्रीन्स आर येल्लो एंड नो येल्लो इज ब्लैक ये हो गया स्टेटमेंट अब क्या पूछ रहे हैं नो ग्रीन इज ब्लैक कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है हाँ बिल्कुल ठीक है क्योंकि सारे के सारे ग्रीन जब इसमें आ चुके हैं तो वो ब्लैक में भी नहीं आएंगे पूरे येलो ब्लैक नहीं है तो ग्रीन भी ब्लैक नहीं हो सकते सम ब्लैक ये गलत हो गया कुछ ग्रीन ब्लैक है बिल्कुल भी नहीं है तो ऑप्शन केवल कंक्लूजन केवल एक फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा ए वाला इसमें लिखा है केवल वन फॉलो फाइन फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है नेक्स्ट ऑल चेयर्स आर सोफास जो चेयर्स हैं वो सोफाज हैं ओनली अ सोफा आर बेड ठीक है ओनली अ सोफ़ा आर बेड ओनली अ फ्यू वाला आ गया तो यहाँ पर हम ये कर देंगे कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं नो बेड आर कर्टेंस नो बेड आर कर्टेंस ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया सम आर नॉट बेड सम सोफाज आर नॉट बेड हाँ बिल्कुल ठीक है. है कुछ जो सम सोफाज है कुछ सोफाज तो बेड नहीं है बिल्कुल ठीक हो गया एंड सम सोफाज आर नॉट कर्टेंस और सम सोफाज जो है वो कर्टेंस नहीं भी ठीक है जो सोफाज बेड के अंदर ये वाले आ गए वो कर्टेंस नहीं आएंगे तो यहाँ पर बहुत सही है बहुत सही है इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे ठीक है आयो समझ में आ रहा होगा आपको नेक्स्ट देखते हैं ओनली अ फ्यू कॉफी ओनली अ फ्यू कॉफी आर टी कुछ कॉफी टी है ओनली अ फ्यू है को तो कुछ नहीं भी होंगी ऑल टी जो है वो ड्रिंक है ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स आर कोल्ड ड्रिंक्स कुछ ड्रिंक्स जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं बोला गया है सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक्स कुछ कोल्ड ड्रिंक नहीं है टी और कोल्ड्रिंक तो वैसे भी कुछ नहीं पता तो हम यहाँ पर से, से no no क्या है कुछ तो है ना तो ये रॉन्ग हो गया इसका मतलब दोनों गलत है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा नाइदर वन नो और टू फॉलो ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर फाइन नेक्स्ट आ जाते हैं बोला गया है ऑल फ्लावर्स आर ट्री सारे फ्लावर्स ट्री हैं ओनली अ फ्यू ट्री आर गार्डन्स कुछ ट्री गार्डन है एंड नो गार्डन्स आर लॉन्स कुछ गार्डन लॉन्स नहीं है ठीक है कोई भी नहीं है सॉरी नो गार्डन्स बोला गया इसका मतलब कोई भी नहीं है फिर क्या पूछा गया ऑल लॉन्स कैन नेवर बी ट्री सारे लॉन्स कभी ट्री नहीं हो सकते ये तो रॉन्ग है क्योंकि सारे ट्री सारे लॉन्स ट्री हो सकते हैं कैन नेवर बी कभी भी नहीं हो सकते कैन नेवर भी क्या है कभी भी नहीं हो सकते तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा गलत क्योंकि लॉन्स जो है वो ट्री में जा सकते हैं तो ये रॉन्ग हो गया फिर पूछ रहे हैं क्या सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन कुछ फ्लावर्स गार्डन हो सकते हैं हाँ बिल्कुल गार्डन जो फ्लावर्स वाला बॉक्स सर्कल uh, है वो जंप करके कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी में आ गया तो ये क्या जा सकता है हाँ तो ये सही हो जाएगा एट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा ओनली सेकेंड फॉलोस राइट right, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है एक पजल दे रखी है हमको पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेवन ए बी सी डी एफ जी सात लोग हैं दे आर सिटिंग इन अ रो एक रो में बैठे ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ सारे सारे नॉर्थ देख रहे हैं बट इस ऑर्डर में नहीं है ठीक है तो सिंपल सी बात है सात लोग बनाने हैं हमें जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं बहुत ईजी पजल है बनाना स्टार्ट करेंगे बोला गया है कि जो बी है वो एक्स सेकेंड बैठा है किसी भी एंड से तो सात लोग बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब जो बी है वो किसी एंड से बैठा है तो या तो यहाँ पर होगा बी या तो यहाँ पर होगा दो केस बन रहे हैं बी रखने के भाई ठीक है फिर बोल रहे हैं थ्री पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी तीन लोग बैठे हैं डी और बी के बीच में बी यहाँ आ चुका है एक दो तीन यहाँ पे क्या आ जाएगा डी यहाँ पर बी आ चुका है यहाँ पर डी आ जाएगा फिर बोल रहे हैं टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए डी और ए के बीच में दो लोग बैठे हैं इस साइड जो तो जगह नहीं है तो दो लोग काउंट करेंगे यहाँ पर आ गया ए और इसमें यहाँ पर आ जाएगा ए बोल रहे हैं सी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है अब C इसके लेफ्ट में है इमीडिएट अब यहाँ पर तो स्पेस नहीं है B आ चुका, इसका मतलब कि बट इमीडिएट नेबर नहीं है तो सी के लेफ्ट में दो ही स्पेस बच रहे हैं एक तो इमीडिएट वाला बच रहा है एक के वाला बच रहा है जब बोल रहे हैं इमीडिएट नहीं है तो सी यहाँ पर आ जाएगा फिर बोल रहे हैं मोर देन टू परसेंट बिटवीन ई एंड एफ अब ई e कहा बैठे है दो से ज्यादा लोगों के बीच में यहाँ रखेंगे तो एफ से ये की भी गैप पे आ जाएगा इसका मतलब ई आ जाएगा बचा कौन सा भाई जी बच रहा है जी को लिख दो प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन पर आ जाते हैं बोला गया है कि एफ के लेफ्ट में कितने लोग हैं भाई एफ के लेफ्ट में कोई है कोई दिख रहा है एफ के लेफ्ट में तो सारे सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है एफ के डेट इज नन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा फिर बोल रहे हैं जी के थर्ड राइट में कौन है जी के थर्ड राइट में जी ये लिखा हुआ है वन टू थ्री कौन क्या आ गया बी आ गया एट इज बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फिर क्या बोल रहे हैं जी के थर्ड राइट में कौन सा आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जी के थर्ड राइट में हाँ तो इसका भी आंसर बी ही है फिर क्या बोल रहा है कि डी और ई e के बीच में कितने लोग बैठे हैं डी और ई e के बीच में कितने हैं डी ए लिखा हुआ ई e ए लिखा है वन टू थ्री फोर तो फोर लोग आ जाएंगे डी और ई e के बीच में एट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा फिर बोल रहे हैं ई e के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है चेक करते हैं भाई ई e के लेफ्ट में कौन है बी है डेट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बी आंसर ठीक हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन है पॉइंट डी इज इन द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं जैसे हमें क्वेश्चन दिखता है हम बना लेते हैं अपनी डायरेक्शन अपने हिसाब से नॉर्थ ऊपर मानेंगे ईस्ट लेफ्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में एंड देन साउथ नीचे मानेंगे ठीक है नॉर्थ हमें ऊपर मान के चलना है ये हमें ध्यान रखना है अब अब दे रखा है कि जो P है P के नॉर्थ में D है ठीक है तो यहां से स्टार्ट करेंगे जो पी हो गया कितना नॉर्थ जाना है टेन मीटर नॉर्थ जाना है तो हमने यहाँ पे बनाया टेन मीटर और ये कितना आ गया डी आ गया ठीक है फिर बोला कि डी के ईस्ट में वाई है अब डी ये है तो ईस्ट यहाँ पर आ गया कितना फोर्टीन तो थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे इससे ताकि हमें हमारे लिए सुविधा रहे गलत ना हो वाई के नॉर्थ में डी है वाई के ऊपर जाना है नॉर्थ में ये हो गया हमारा वाई और यहाँ पर आ गया एट और ये आ गया हमारा क्यू ठीक है फिर बोल रहे हैं क्यू के वेस्ट में एस क्यू ये है वेस्ट यहाँ जाना है ट्वेंटी जाना है मतलब फोर्टीन हमारा ये हो चुका है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा हमारा इससे फोर्टीन कितना ज्यादा होगा भाई सिक्स ज़्यादा हो ट्वेंटी है तो टो, टोटल टो, 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 तो इतना तो फोर्टीन है इतना कितना बचा सिक्स बचा ये हमें ध्यान रखना है अपने हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा जाए हमसे फिर एस के साउथ में आना है आठ अब साउथ आठ मतलब आठ नहीं जाना है हमको तो इसके इक्वल रखेंगे एस इस, इस तरह से ये जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए कौन सा पॉइंट है एच और ये एट इस तरह से बन गया हमारा मैप क्वेश्चन पर आ जाते हैं पूछा गया है एच और डी के एट में कितनी दूरी है भाई एच और डी एच के लिखा है डी के लिखा है कितनी डिस्टेंस है तो टोटल ट्वेंटी था मैंने आपको बोला था काम में आ सकता है फोरटीन हटा देंगे कितना बचेगा छः आंसर आ गया छः मीटर फिर क्या पूछ रहे हैं कि पी किस दिशा में है क्यू के रिस्पेक्ट में पी कहाँ पर है भाई पी ये लिखा हुआ है क्यू ये लिखा हुआ है डायरेक्शन ये वाली हो गई कौन सी हो गई ये साउथ वेस्ट हो गई साउथ वेस्ट आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी फिर क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे अब हमारे पास फिर से एक पजल है क्या पूछा गया है देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ कुछ लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ को देखते हैं पता नहीं कितने कुछ हैं यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता हमें वही निकालने होंगे स्टार्ट करते हैं बनाना बोला गया है कि जो ए है वो बी के फिफ्थ राइट में है ठीक है अब बी ए हो गया हमारा बी मान लिया हमने यहाँ पर है बी के फिफ्थ राइट में वन टू थ्री फोर और फाइव क्या हो गया ये ए हो गया नॉर्थ देख रहे हैं तो राइट साइड ही आएगा फिर बोला गया टू पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि सी और बी जो है वो सी हो सकता है कि इसके इस साइड हो दो लोग बैठे हुए हैं और हो सकता है कि इस साइड हो तो हम दोनों बना के चलेंगे जो गलत होगा उसको हटा देंगे सी यहां पर भी हो सकता है दो पर्सन बैठे हुए हैं फिर बोला गया है कि डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी सी के लेफ्ट में फोर्थ वन टू थ्री फोर यहां पर क्या आ गया डी आ गया और इसमें क्या जाएगा? One, two, three. आ जाएगा वन टू थ्री यहां पर डी आ जाएगा वन टू थ्री डी आ गया ठीक है फिर क्या बोल रहे हैं यहां तक हो गया फोर पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ डी अब ये भी भी बोल रहे हैं कि के लेफ्ट में चार लोग बैठे हुए हैं हाँ तो मैं यहाँ पे भी फोर लिख दे रही हूँ इसके लेफ्ट में चार लोग बैठे हुए अगर नहीं है इसलिए लिख दिया फिर द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी जितने लोग डी और बी के बीच में बैठे हैं उतने ही बी और एफ के बीच में बैठे हैं देखो अब डी और एफ में पहली वाली पॉसिबिलिटी में देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी सिक्स होंगे इस साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर एफ आ जाएगा इसमें देखो डी इसके बिल्कुल बगल में है तो एफ भी इसके बिल्कुल बगल में है। एक भी पर्सन का गैप नहीं है अब जो एफ है एफ सिट्स एट द फोर्थ पोजिशन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एफ फोर्थ पोजिशन पर है फोर्थ पोजिशन पर वन टू थ्री फोर यहाँ पे एफ अगर हम काउंट करें तो फिफ्थ पर आ रहा है इस तरह से काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ पर आ रहा है ये पॉसिबिलिटी इस तरह से रॉन्ग हो जाती है अब बोल रहे हैं एफ फोर्थ पोजिशन पर है इसका मतलब इसके इस साइड तीन लोग तो होंगे ना इस साइड तो फोर होगा नहीं इस साइड से ही फोर पर्सन होंगे इसका मतलब यहाँ पे फोर पर्सन ये है और ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक बैठ बन रहा है तो कितने लोग होंगे टोटल चार लोग ये हो गए चार इधर बैठे होंगे चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो बाईस लोग बैठे हैं टोटल ठीक है अब क्या पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं बी ए लिखा है डी ए लिखा है एक दो तीन चार पाँच छः कितने बैठे हैं भाई छह बैठे हैं है। सिक्स आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बोल रहे हैं कितने लोग बैठे हैं अभी निकाला था बाईस लोग बैठे ट्वेंटी टू आंसर ठीक हो जाएगा फिर से काउंट कर लो भाई बाईस ही है चार ही इधर वाले हो गए पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस हाँ बाईस लोग बैठे हैं बिल्कुल ठीक है फिर बोल रहे हैं ए के राइट में दूसरा कौन बैठा हुआ है ए के राइट में दूसरा ए ये है राइट में कौन होगा वन टू एफ आ जाएगा आंसर तो एफ लगा देते हैं ऑप्शन नंबर डी बिलविल द राइट आंसर फिर बोल रहे हैं बी के राइट में कितने लोग बैठे हुए बी के राइट में बी ये लिखा हुआ राइट नॉर्थ में है राइट साइड काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो दस लोग बैठे हुए हैं भाई टेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन दे रखा है हमको हाउ मेनी सच पेयर्स ये पेयर्स वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर आप लोग बताएंगे ठीक है कितने लोग कितने इस यहाँ पर पेयर्स बन रहे हैं काउंट करके नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दे रखी है एक ये वर्ड वर्ड का एक सेट है इसके कुछ क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे आगे वो हमें बताने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं देखो तो पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन इफ वी एड एल आफ्टर फर्स्ट लेटर हर वर्ड के फर्स्ट लेटर के बाद अगर हम एल एड कर देते हैं तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे तो देखो एड करते हैं भाई सी एल ओ टी आई एल वी वाई पी एल ई ए फिर एफ एल ओ एक्स एम एल आर यू तो क्लॉट एक वर्ड है बिल्कुल ठीक बात है ये कोई वर्ड नहीं है पी आई एक वर्ड है ठीक है फ्लॉक्स आई डोंट थिंक फ्लॉक्स एक वर्ड है फ्लैक्स हो सकता था बट फ्लॉक्स तो मेरे हिसाब से नहीं है अगर आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मेरे हिसाब से यहाँ पर दो ही वर्ड बन रहे हैं वन और टू अगर हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि एक ये फ्लॉक्स होता है फ्लॉक्स का मीनिंग बताइएगा मेरे हिसाब से एक वर्ड फ्लैक्स होता है बट फ्लॉक्स कोई वर्ड नहीं होता दो वर्ड यहाँ पर ठीक है क्लॉट एंड पी तो सी हमारा ठीक आ जाएगा टू ठीक है दो वर्ड बन रहे हैं मीनिंगफुल इफ थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस बाई स थर्ड लेटर को आगे रिप्लेस कर देते हैं वाले लेटर से, once, कि तो हाउ मेनी वर्डल एक से ज्यादा बार दिख रहे हैं हमको तो देखो टी सी आगे आता है एस टी यू आता है वी के बाद डब्ल्यू आता है ए के बाद बी आता है एफ एक्स के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आता है यू के बाद वी आता है देखो कितने हो गए यहाँ पे दो बॉवेल हैं ठीक है यहाँ पर एक ही है गलत हो गया यहाँ, यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है इसका मतलब एक में ही केवल दो बॉबल हमें दिख रहे हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा वन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया इफ ऑल द वर्ड्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर सारे वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट वर्ड्स को अरेंज करना है तो पहले कौन सा वर्ड आएगा भाई पहले आएगा हमारा वही सी ओ क्योंकि इसका थर्ड थ्री ओर ओ टी चलो पहला आ गया फर्स्ट पे ये आ जाएगा फिर सेकंड पे कौन सा आएगा फॉक्स आएगा फिर थर्ड पर ये आएगा फोर्थ पे कौन सा आ जाएगा हमारा ये वाला ठीक है नहीं फोर्थ पे आएगा एम आर यू क्योंकि एम पहले आता है तो फोर्थ पे ये आ गया और फिफ्थ पे ये वाला आ गया हमसे क्या पूछ रहे हैं फोर्थ पूछ रहे हैं लेफ्ट तो फोर्थ से लेफ्ट कौन आ जाएगा एम आर यू रेट इस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ रहे हैं अगर हम सारे वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स हैं उनको अरेंज कर देंगे अल्फाबेटिकली तो कितने कितने वर्ड्स ऐसे जिसमें बॉबल हमें सेकंड पोर्स पर दिखेगा कितने वर्ड ऐसे बॉबल हमें सेकंड पर दिखेगा अब अगर अरेंज करेंगे तो यह, यहाँ पर ये यह तो सी ओ टी ही रहेगा आई थिंक सी ओ टी ही रहेगा अरेंज करेंगे तो इसमें तो हमें दिख रहा है सेकंड पर बॉबल है इसको अरेंज करेंगे तो ये आई वी वाई ही रहेगा यहाँ पर सेकंड पेय वी है गलत हो गया इसको करेंगे तो एई पी बन जाएगा सेकंड वोवेल है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे अरेंज करेंगे तो एफ ओ एक्स ही रहेगा और ये भी वोवेल तो आ रहा है सेकंड पर ठीक है इसको करेंगे तो एम आर यू ही रहेगा और सेकंड पर आर है इसका मतलब तीन वर्ड ऐसे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा थ्री ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फिर क्या पूछा गया है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट से सेकंड लेटर वर्ड कौन सा है ये है इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है आई है ठीक है एंड थर्ड लेटर थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड वन टू थ्री थ्री है थर्ड लेटर कौन सा ए ए और आई क्यूज पर कितने बी सी डी ई एफ जी एच कितने हैं भाई सेवन है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इनके बीच कितने लेटर्स आते हैं सेवन लेटर्स आते हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया है कि ये जो नंबर है थ्री फाइव नाइन एट टू फोर सेवन सिक्स इसमें वन इज एडेड टू ईच इवन इवन में वन ऐड कर दो भाई इवन कौन सा है एट है इसका नाइन कर दो इसका थ्री और इसका फाइव और ये सेवन और टू जो है हम हर ऑट से हटा देते हैं माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो वन आ गया थ्री आ गया सेवन आ गया एंड देन थ्री आ गया एंड देन फाइव आ गया तो पूछ रहे हैं विल नॉट विच डिजिट विल नॉट अपियर ट्वाइस इन द नंबर दस ऑपरेंट जो नंबर यहाँ पे ऑपरेंट हुआ इसमें एक डिजिट ऐसी कौन सी है जो तो दो बार नहीं आ रही है देखो तो एक तो वन दो बार नहीं है वन एक ही बार है थ्री तो बहुत बार आ गया सेवन बहुत बार आ गया नाइन भी नाइन भी एक ही बार आया है थ्री भी बहुत बार है फाइव सेवन तो कौन कौन सी है वन और नाइन तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बोथ वन एंड नाइन फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या याद रखा है पजल पढ़ना स्टार्ट करेंगे लिखा है सिक्स पीपल पी क्यू आर एस टी यू सात छः लोग हैं और ये अलग अलग डेट्स पर इवेंट होता है इनका ठीक है डेट कौन कौन सी सेवन्थ और ट्वेल्थ एक ऑफ डिफरेंट मंथ्स ठीक है डिफरेंट मंथ कौन कौन से जनवरी February एंड मार्च तीन महीने दे रखे हैं दो डेट मतलब छः डेट हमें पता लग गई छः डेटें और छः लोग हमें सेट करने हैं ठीक है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर डेट्स सेवन ट्वेल्व सेवन ट्वेल्व सेवन ट्वेल्व और मंथ कौन कौन से जनवरी फेवररी एंड देन मार्च फाइन तो इस तरह से ये छः कॉलम हमारे बन जाएंगे ठीक है तो ये हमारे सिक्स कॉलम्स हो गए One, two, three, four, five, six, अब यहां क्या बोला गया है भाई और मार्च में भी होते हैं और डी होना है इवेंट नंबर डेट पर होता मतलब जो है वो ट्वेल्थ डेट पर होगा ठीक है तो जब ट्वेल्थ डेट पर होगा तो कहीं पर भी हो सकता है हो सकता है जनवरी की हो या फिर मार्च की हो तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी एक बार डी यहाँ पर आएगा और एक बार डी यहाँ पर आएगा ठीक है दो पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे प्री लेवल प्री लेवल में आपको कंडीशन देखने की नीड नहीं है आप पॉसिबिलिटी बनाओ डायरेक्टली और उसको सॉल्व क्योंकि टाइम यहाँ पर बच जाता है अब बोला गया द नंबर ऑफ पर्सन हैव इवेंट बिफोर डी इज सेम एज द नंबर ऑफ इवेंट आफ्टर ए जितने डी से पहले हैं उतने ही ए के बाद है मतलब डी अगर यहाँ पर है सेकेंड पर है तो ए यहाँ पर आ जाएगा डी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर आ जाएगा ठीक है बोल रहे हैं वन पर्सन वन पर्सन हैज इवेंट बिटवीन

आंसर ये है ए एफ सी बी ई डी ये हमारा सही आंसर है क्वेश्चंस पर आ जाते हैं क्या बोला गया है हाउ मेनी पर्सन बिफोर बी बी से पहले कितने हैं हैं बी से पहले कितने वन टू थ्री हैं जैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा थ्री फिर बोल रहे हैं डी के जस्ट बाद में कौन आता है डी के जस्ट बाद में कौन है भाई कोई भी नहीं आता डी के जस्ट बाद में तो आंसर आ जाएगा नन कोई भी नहीं आता फिर बोला गया एफ और डी के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं

एफ सी ए एफ ई एफ देखते हैं ए एफ और ये ई एफ हो गया ठीक है फिर कौन सा था एफ सी था उसके बाद क्या था ई बी और सी बी ई बी और सी बी देखो सारे के सारे चीजें वो साथ साथ आ रही है। बस एक ये एफ e, और ई e वाला बहुत दूर था तो ये अलग हो जाएगा तो इसको टिक कर देंगे ई e और एफ वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है फिर क्या पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये इसका पदल का नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो पदल कंप्लीट हो गई थर्टी नाइन तक है ना हाँ थर्टी नाइन तक ही पूछे गए थे इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास अलग सा क्वेश्चन है कुछ देखो क्या लिखा हुआ है इसमें से चार कोई ग्रुप बनाते कौन सा नहीं बनाता तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है है तो एक नंबर का भाई लेकिन आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा इसको हम चेक कैसे करेंगे कि इन इन ग्रुप में से कौन सा अलग है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इन सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ पर आता है तो उससे बहुत जल्दी आप फाइंड आउट कर लो आपको अगर एक याद है तो देर नहीं लगेगी देखो तो ये यह यहाँ पर आता है अट्ठारह पर ये इक्कीस देन पच्चीस उन्नीस सत्रह पंद्रह पंद्रह तेरह और ग्यारह छः चार दो ये आता है पच्चीस तेईस और चार ठीक है सॉरी डी नहीं था यू था वाई डब्ल्यू यू है ना तो यू यहां पर लिखेंगे और ये आता है इक्कीस में तो एक बार नोटिस कर रहे हैं क्या कि सारे नंबर यहां पे डिक्रीज हो रहे हैं है ना, सारे डिक्रीज हो रहे हैं बस ये वाला नंबर इंक्रीज था तो इसका मतलब अलग कौन सा हो गया ये वाला अलग क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जैसे आप इसको देखोगे ना आप नंबर लिखते समझ जाओगे कि गलती क्या है यहाँ पर मतलब गड़बड़ क्या आ रहा है ऑड क्या आ रहा है गड़बड़ नहीं ऑड बोलेंगे तो वही हमें निकालना था तो आपको आई होप आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ये तो रीजनिंग की ए बी सी डी है ए बी सी डी क्या है कि भाई सबको आपके आपको हर नंबर का ट्वेंटी सिक्स जो लेटर्स होते हैं उन सारे लेटर्स का एक नंबर होता है वो पता होना चाहिए जैसे ए का वन है बी का टू है सी का थ्री है अगर आपको लर्न नहीं है तो इसको जरूर से लर्न कर लीजिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन ये वाले जो आ जाते हैं वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे फाइन तो इसी के साथ यहाँ पर हमने फोर्टी क्वेश्चन अपने कम्प्लीट कर लिए हैं आर क्लर्क का जो ये हमारा पेपर था पहले का मेमोरी बेस्ड तो आपको समझ आया होगा आई होप आप और अब आगे भी हमें इस तरह से क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं इससे आपको आ, जो पेपर है आगे अब जो इस साल होगा उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी ठीक है और करंट अफेयर्स फंडा का वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए उसमें आपको रीजनिंग का क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें थर्टी प्लस वीडियोज़ हैं जो हमने सॉल्व की हुई हैं मेन्स लेवल की हैं और मेंस के लिए आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी काफ़ी कॉन्फिडेंस जाएंगे आप क्योंकि सारे टॉपिक्स जो है हमने मेंस में जो आते हैं वैसे ही लिए हैं एक बार आप इसको ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करिए इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की लिंक ईजिली मिल जाएंगी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे